कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, क्यों कोई भी मेरे पास नहीं रह पाता है। शायद कुछ ज्यादा ही तपिश रही होगी मुझ में, तभी तो जो आता है वो ही जल जाता है। कभी किसी ने जानना नहीं चाहा मेरा हाल, क्योंकि जब मैंने बोलना चाहा तो सही दस्तूर न था। किसी को आ जाती थी मेरे हाल पे हंसी, और जिन्हें ना आए उन्हें ये मंजूर न था। लोग तो यही कहते हैं कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, पर सच तो ये है कि बहुत मजबूर हूँ। कुछ तो गलती रही होगी मेरी, तभी तो आज तक अपनी मोहब्बत से दूर हूँ। लोग तो यही कहेंगे कि मैं चाहूँ तो दुनिया को जला सकता हूँ, पर कोई ये नहीं कहेगा कि चल तुझे तेरी मोहब्बत से मिला सकता हूँ। आखिर क्यों गमों से मेरा इतना करीबी नाता है, क्यों मुझे चाहने वाला ही मुझसे दूर चला जाता है। जला तो दूं मैं इस दुनिया को, पर ये मेरे उसूल नहीं। गलती किसी और की और सजा सभी को, ये मुझे कबूल नहीं। दुनिया का दस्तूर ही बड़ा निराला होता है, अक्सर जो तुम्हें सही लगते हैं दिल उन्हीं का काला होता है। मैंने भी की थी एक अच्छी जिंदगी की ख्वाहिश, जैसे रेगिस्तान में भी हो गई थी बहुत ही ज़्यादा बारिश। मेरा लावे से भरा सीना भी फिर से दहकना छोड़ धड़कने लगा, शायद इसे लगा कि मैं फिर से प्यार करने लगा। चाहता था उसे, फिर भी कहने से मैं डरता था, उसे शायद बता भी ना पाऊँ उसे कितना प्यार करता था। एक दिन वो खुद आई कहने, जो था उसके दिल में चाहने लगी थी मुझे भी वो अपने दिल ही दिल में। अब उसे बचाने का मेरे पास और कोई रास्ता न था, क्योंकि उसका गमों से और मेरा खुशियों से कोई वास्ता न था। पतंगा क्यों होना चाहती हो मोहब्बत में फना, ये तुम्हारी अदा है या मेरा गुनाह। कोई मुझसे भी तो पूछे मेरे दिल की, जिसे प्यार से छूना चाहा उसकी बस राख ही मिली। मुझे पाकर भी तुम सब कुछ गवाओगी, क्योंकि आग हूँ मैं तुम जल जाओगी। बहुत दिनों बाद मुझे मिला कोई जिसे मैं समझा सकूं, क्या बीती है मुझ पे आपको बता सकूं। बहुत दिनों के बाद मुझे समझा कोई और हुआ मुझ पे मेहरबान, और कोशिश की आप तक पहुंचाने की मेरी यानी आग की दास्तान। धन्यवाद।